इस खाने को खाते खाते पूछा भाई शेफ कौन है, कहते भाई एक इंडियन शेफ है। ब्राविया होटल का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। अफ्रीका में जो बैंक का कारोबार है वो बहुत ज़्यादा है। तो टोगो के अपलाओ बॉर्डर से हमने एंट्री कर ली है घाना में। करेंसी का जो रेट है यहाँ पे हमें 10.5 रुपये पड़ा है। ये बैग जब भी ऐसी जगह हो तो अपना आगे टांग लेना, पीछे मत टांगना। जय हिंद, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम खड़े हैं टोगो देश की राजधानी लोमे में, और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये लोमे शहर का नज़ारा है। आज हम जाने वाले हैं घाना। घाना की कैपिटल है आकरा। घाना वेस्ट अफ्रीका का एक देश है, फास्टेस्ट ग्रोइंग देश भी उसे कहते हैं अफ्रीका का। तो आज हम जाएंगे आकरा। आकरा की दूरी यहाँ से लगभग 195 किलोमीटर की है, और ये सफ़र हम तय करने वाले हैं बाय रोड। टैक्सी वगैरह लेके जाएंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करने वाले हैं इस सफ़र में। और लगभग 4 घंटे गूगल मैप से दिखा रहा है, लेकिन इमिग्रेशन वगैरह के प्रोसेस में जो भी टाइम लगता है वो हम देखेंगे। तो चलते हैं इस बार घाना। ये सफ़र शुरू करेंगे हम ब्रेकफास्ट से। ये रेस्टोरेंट है ब्राविया होटल का। ब्राविया होटल में हम रुके हुए थे, 2 रातें रुके। अच्छा होटल है, अगर आप इंडियन हैं तो आपको बहुत अच्छा वारा खाएगा इस होटल में। और इसके हमने जो चार्ज दिए थे वो दिए थे 31,000 सीफा, लगभग 4,000 इंडियन रुपीज़ स्टैंडर्ड रूम के लिए विद ब्रेकफास्ट। ये है ब्रेकफास्ट काउंटर, इसमें है और ख़त्म हो चुका है, अभी लग जाएगा दोबारा चाहिए होगा तो। अच्छा होटल है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स, जूसेस, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, ब्रेड, टी, कॉफ़ी, और अगर आपको कोई परांठा वगैरह ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं। तो हमने अभी एक परांठा ऑर्डर किया है, और किया है हमने ऑमलेट ऑर्डर। भाई ब्रेकफास्ट आ गया हमारा, परांठे बढ़िया, टी, ऑमलेट। मेरा दोस्त मेलन, जिसने बहुत साथ दिया हमारा, आपको और हमें सारा लोमे घुमाया इस बंदे ने, थैंक यू ब्रदर। मैसी बक्कू, वी ऑल इंडियन विल रिमेंबर यू, ओके, थैंक्स फ्रॉम इंडिया। थैंक यू, यू आर ऑल्सो वेरी गुड पर्सन, थैंक यू। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, और खाना यार यहाँ पर ब्राविया होटल के रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छा मिलता है वाकई। मतलब फील नहीं आई कि आप इंडिया से बाहर कहीं कोई इंडियन फूड खा रहे हो। बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा होता है आप खा तो रहे हो, लेकिन वहाँ के तेल की या वहाँ के मसालों की कुछ अलग ही स्मेल लगती है बहुत जगह। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, मज़ा आ गया। और मैंने इस खाने को खाते खाते पूछा भाई शेफ़ कौन है, कहते भाई एक इंडियन शेफ़ है, और इंडियन शेफ़ ही बना सकता था वाकई ऐसा खाना। तो ये हमारे जगत भाई हैं जिन्होंने खाना बनाया, मज़ा आ गया। जगत भाई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने इतने बढ़िया परांठे बनाए। मैं खाता नहीं हूँ परांठे, लेकिन आपके हाथ के मज़ा आ गया खा के। थैंक यू। ऑमलेट भी बहुत बढ़िया था, चाय बहुत बढ़िया थी आपके हाथ की। तो जगत भाई उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड वाले बहुत हैं यहाँ पर लोग, है ना लोगों में। कितने साल हो गए आपको? मेरे को यहाँ पर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, तो यहीं से आप आए थे अपना? हाँ, सीधा यहीं आए टोगो या अफ्रीका की किसी और कंट्री नहीं, में नहीं, पहले यहीं आया था। ब्राविया सद्गुरु कोई कंपनी है, उससे आया था डायरेक्ट। जी जी जी, सेकंड ट्रिप चल रहा है, बढ़िया है सब। चलो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका। और भाई हमारे साथ विनोद भैया भी हैं, विनोद पांडे भैया भी यहाँ रह रहे हैं टोगो में कोई 4.5 साल से, अपना बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर ये। और मेरी एक गलती हुई कि मैं इन्हें बता नहीं पाया कि मैं पहुंचा हुआ हूं, जबकि मेरी इनकी बात हो रही थी, बस भागम भाग में रहा, सॉरी भैया। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, लेकिन आपने बताया नहीं वो तो। मैं, मेरी गलती है वो, मैं मान रहा हूं। तो भाई थैंक यू वेरी मच। भैया से बात होती रही थी, भैया ने ही सजेशन दिया था ब्राविया होटल का, और भी लोगों ने दिया था। भैया के कहने से हमने ये होटल बुक किया था कि भाई अच्छा होटल है, लेकिन भैया से बात नहीं हो पाई, बस भागम भाग, यूट्यूब का चक्कर, कंटेंट का चक्कर, बस ऐसे ही रह गया सीन। कोई नहीं, मेरा मानना हमेशा ये है कहीं ना कहीं कुछ रह जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट टाइम वहाँ आ जाओ। तो भाई अब की बार वजह भैया रहेंगे आने की। बिल्कुल बिल्कुल, आप वेलकम है आपका। आप कोई भी अगर कोई आना चाहे तो हमसे मिले, और जी जी आप आ सकते हैं, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच भैया। तो आपको जो 4-5 साल हो गए, तो ये कंट्री कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, और आप आइए और वेलकम है आपका, बहुत बढ़िया रहेगा आपका। कोई भी आप विजिट में आए या फिर आप काम करें, जी 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 जी, बहुत बढ़िया।
जी जी। अगर देखो मैंने ना यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बहुत से इंडियंस भाइयों से बात की, उन सब ने यही कहा कि ये कंट्री बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ एक अलग प्रॉब्लम है, कैमरा, कैमरा नहीं निकाला। और मैं कल कई घंटे घूमता रहा देखने के लिए एरिया वगैरह, इधर उधर आगे गया तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी आदमी घूर के नहीं देखता, कोई ऐसी मतलब डर वाली बात मुझे कोई महसूस नहीं हुई इस कंट्री में, टोगो में आके। और जितने भी इंडियन भाई हैं उन्होंने भी हमेशा यही कहा कि उनके साथ भी कभी कोई हादसा नहीं हुआ यहाँ। तो अगर आप किसी व्यापार की दृष्टि से, किसी जॉब की दृष्टि से टोगो आना चाहते हैं तो भाई न्यूज़ वगैरह की बातों में ना आना, ये कंट्री इतनी बुरी नहीं है, अच्छे लोग हैं, ये कंट्री अच्छी है, अच्छे लोग हैं यहाँ के और हेल्पफुल लोग हैं और शरीफ भी हैं, मतलब काम से काम रखते हैं, मेहनती लोग हैं यहाँ के, बहुत देखा है मैंने, बहुत कम सैलरी में बहुत अच्छा काम करते हैं और आपको इज्जत मान भी पूरी देते हैं यहाँ के लोग, है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए और वेलकम है। अच्छा, अगर अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई भी अगर आना चाहे। व्यापार करते हो भैया तो यहाँ कोई अलग से लाइसेंस वगैरह कुछ लेना पड़ता है गवर्नमेंट से कोई? हाँ बिल्कुल, वो अगर आप कंपनी अपनी खोलनी चाहे कंपनी का आपको पेपर पूरा करना पड़ेगा। तो कोई आपको यहाँ का टोगो का सिटीजन साथ में चाहिए जैसे अरब कंट्रीज में होता है या सीधा आप करते हैं? नहीं नहीं, आप आइए, उसके बाद आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, 2-3 महीने। तो यहाँ का कोई सिटीजन इन्वॉल्व नहीं हो सकता कंपनी में, मतलब क्या सिस्टम रहता है? उसके बाद आपको लेने पड़ेंगे बंदे, तो यहाँ के भी लेने पड़ेंगे, वो जो हर जगह होता है, लेकिन मालिक आप ही रहोगे कंपनी के, कोई पार्टनर जैसे यहाँ का टोगोलीज पार्टनर तो नहीं चाहिए? कोई नहीं चाहिए। अपना सेल कर सकते हो तो कंपनी जो अगर आप यहाँ पर हम खोलना चाहें तो आराम से खुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं? आराम से खुल सकते, काम करने के लिए बहुत इजी है, पोर्ट बहुत बढ़िया है। जी जी, मेन तो यहाँ का पोर्ट ही है। पोर्ट आपका फ्री पोर्ट है? फ्री पोर्ट है। अच्छा नाइस, मतलब टैक्स फ्री है? टैक्स फ्री है। अरे बहुत बढ़िया, वाह। तो यहाँ का जो भाई पोर्ट है वाकई वो बहुत बड़ा पोर्ट है और अभी न्यू पोर्ट बनाया है इन्होंने, शायद ये आसपास की कंट्री का सबसे बड़ा पोर्ट टोगो में ही है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ अफ्रीका के जो लोकल जो यहाँ नियर अबाउट जो कंट्री है तो सबसे बड़ा पोर्ट ये लोमे का है यहाँ पर। जी जी जी। तो भाई अगर कोई भी बाकी कोई सवाल रह गया हो, कोई जवाब सवाल कमेंट में आप लिख देना, भैया इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे तो भैया उसमें रिप्लाई करते रहेंगे और मेरी भी कोशिश होगी मैं भी किसी से पूछ के आपको कमेंट में वो रिप्लाई कर सकूँ, आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, तो मैं कोशिश करूंगा, ज़रूर दूंगा। और अगर कमेंट में नहीं भी दे पाता हूं तो मेरे भाई आप लोग मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जो भी आपकी क्वेरीज होती हो इंस्टाग्राम पे ज़रूर कोशिश करता हूं मैसेज देने की, 99% मैं आपके आंसर दे देता हूँ इंस्टाग्राम पर, जो भी मुझे जानते हैं उनको। हाँ बाकी कोई ये पूछे भाई खाना खा लिया, पानी पी लिया, बहुत से ऐसे आते हैं मैसेज कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने डिनर, भाई मैं उसका जवाब नहीं दे पाता सॉरी, लेकिन हाँ अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा मेरे भाई। ठीक है जी, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलें भाई हमारा बोर हो गया। चलो भाई अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं गाना के लिए। ही लेफ्ट ऑलरेडी, कौन था? या ओनली वन नाइट। Good. Thank you very nice. Nigeria. Okay. Thank you. Merci beaucoup. Have a great day. Merci. Oh, you are checking out. Yeah, checking out today. Oh, see you next time. Sure. Thank you. Merci beaucoup. भाई check out करने का time आ गया है, ये हमारा bill है total 81,500 SIFA बना है, खाने का इसमें एक दिन का है, एक दिन मैंने pay कर दिया था। ये मेरा दोस्त, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। ये अच्छा लड़का है यार, ब्राविया होटल का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है और ख़ासकर यहाँ के मैनेजर साहब, असिस्टेंट मैनेजर साहब है मोहसिन भाई, असिस्टेंट मैनेजर साहब करण भट्ट और हमारे जगत भाई जो कि शेफ़ हैं, इन सब का भाई अगेन बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो भी क्वेरीज थी जो भी मैंने पूछा बहुत प्यार से उसका आंसर दिया और बहुत हेल्प रही इस चीज़ में, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप सब लोगों का अगेन, और ब्राविया होटल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा रहा मेरा स्टे यहाँ पर काफ़ी। और अब फिर मोटो, दो मोटो करने वाला हूँ मैं, मेरे बस की नहीं है बैग लेके बैठना, वो इतने सारे आ गए बुला के। यहाँ पर एक और चीज़ है भाई, ये बहुत अच्छा करते हैं, अब देखो ये भाई ना यहाँ स्टार्ट नहीं करेगा भाई, बाहर ले जाके स्टार्ट करते हैं बहुत बार, ये कहते हैं यार शोर नहीं मचाना अंदर किसी के प्रमिसिस में, बाहर जाके स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से धकेल के ले जाते हैं बाहर तक। वैसे ही वो भाई बाहर से अंदर लेके आया बाइक,
धकेल के स्टार्ट करके नहीं लाया। चलो गुड, तंग नहीं करना चाहते दूसरे को। ये रख लिया भाई इन्होंने मेरा सूटकेस, आराम से ले चलियो भाई। ओके भैया, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, सो मच। मजा आ गया आपसे, छोटी सी मुलाकात रही लेकिन बहुत अच्छी रही। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी रहेगी जब आइए। जी जी, हमेशा आप नेक्स्ट टाइम आप बजाय मैंने बताया तो दोबारा आऊँगा। ओके जी भाई, मैं बैठने लगा हूँ अपनी मोटो पे। इसको भाई को हमने 500 सिफा में बुक किया है, यानी कि 65 रुपये में इंडिया के। यहाँ लोमे ब्राविया होटल से जो बॉर्डर है घाना का, वो लगभग 7 किलोमीटर दूर है। 8-10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, तो 8-10 मिनट में पहुँचते हैं पहले बॉर्डर पे। ओके भैया, ये भाई बैंक की बिल्डिंग है। अफ्रीका में जो बैंक का कारोबार है वो बहुत ज़्यादा है। ये भी एक बैंक की बिल्डिंग है, दूसरी बैंक ऑफ अफ्रीका है। ये सब जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, ये सब बैंक्स की बिल्डिंग है। और बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ आसपास के देशों में। यहाँ पर बैंकिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है, हर चीज़ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस लगाते हैं, ऐसा मेरे को यहाँ के अपने जो इंडियन भाई हैं उन लोगों ने बताया। अगर आपको बीचेस पसंद हैं तो टोगो में आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन और हैपनिंग बीचेस मिल जाते हैं। यह आ गया है टोगो घाना का अपलाव बॉर्डर, अपलाव बॉर्डर कहते हैं इसको। ये लड़के आ जाते हैं भाई ऐसे, देखो हमारे बैग को देख के। तो टोगो के अपलाव बॉर्डर से हमने एंट्री कर ली है घाना में, और यहाँ से हम जाने वाले हैं आकरा। लगभग 190 किलोमीटर का सफ़र है जो कि 3 घंटे लेगा। और यहाँ से जो है वो प्राइवेट टैक्सीज भी जाती हैं और शेयर टैक्सी भी आप कर सकते हैं। शेयर टैक्सी ने जो रेट मांगे हैं वो मांगे हैं लगभग 90 CED इंडिया के, 900 से 1000 रुपया। और जो घाना की करेंसी है वो घानियन CED है, जो कि इंडिया की करेंसी से स्ट्रॉन्ग है। आज की डेट में लगभग एक घानियन CED जो है वो 10 इंडियन रुपीस के बराबर है। तो अभी जो हमने टैक्सी की है उसने 90 CED मांगे हैं, लगभग 900 इंडियन रुपीस, 1000 मान लीजिए आप। तो 1000 रुपये में इस बॉर्डर से, लैंड बॉर्डर से टोगो के आप जा सकते हैं आकरा घाना। तो हम जाने वाले हैं टैक्सी करके। प्राइवेट टैक्सी बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगी, कोई फ़ायदा नहीं। शेयर टैक्सी साफ़ सुथरी हैं और जा सकती हैं। थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम सी लगती है यहाँ पर इन जगहों में। और बसेस भी जा रही हैं जो घाना के लिए जाती हैं, पीछे बहुत सारी बसेस खड़ी हैं। यहाँ से आइवरी कोस्ट, कोट डिवोर भी उसे कहते हैं, उस देश में भी जाया जा सकता है। और भी कई देशों में यहाँ से बसें जा रही हैं। तो बस का रेट नहीं पता किया मैंने अभी कितना है, मैं पूछ लेता हूँ फिर भी एक बार बस का रेट। और ये भाई जो अपना था ये वहाँ बॉर्डर से मेरा साथ आया, अच्छा लड़का है। व्हाट अबाउट द बस प्राइस? 100 10 CED 100 CED 1 million 1 million बस। ओके, तो भाई ये जो बस का रेट है वो ज़्यादा है शेयर टैक्सी से, इनका मतलब है लगभग 100 CED मांग रहा है। तो बस का रेट ज़्यादा है, शेयर टैक्सी का रेट कम है। हम जाएंगे शेयर टैक्सी पे। ये शेयर टैक्सी है अपनी टोयोटा करोला, और मैंने आगे की सीट ले ली है। जब भी ऐसे शेयर टैक्सी में आपको आना हो आगे की आप सीट ले लें, ताकि पीछे लोग उतरते रहें आते जाते रहें, आपको कोई दिक्कत ना करे, फैल के बैठ जाते हैं ये। तो ये कुछ नज़ारा है भाई घाना बॉर्डर का, देखते हैं जब तक कोई नहीं बोलता तो वीडियो बना लेते हैं। वीडियो का फिर पंगा डाल देते हैं, यहाँ तो फिर भी बहुत बन गई भाई। हमने सिम लिया यहाँ से, ये है MTN का, जो सिम पड़ी है 20 CED की, यानी कि 200 इंडियन रुपीस की। और इसमें 1 GB डाटा डलवाया,
जो कि है 15 सीडी का, यानी कि 150 रुपये का। 350 इंडियन रुपीज़ में हमें मिलता है 1 GB डाटा विद सिम, तो वो हम डलवा लिए हमने अपने फ़ोन में। और हमेशा एक बात और ध्यान रखें, आप अपने साथ एक पिन रखें, अगर बहुत सारी कंट्रीज़ में आप जा रहे हैं तो ऐसे एक पिन अपने कवर में ज़रूर रखें, ताकि आप इजीली अपनी सिम्स को बदल सकें कहीं भी। ओके ब्रदर। और हमने करेंसी भी एक्सचेंज कराई है, करेंसी का जो रेट है यहाँ पे हमें 10.5 रुपये पड़ा है। ये घाना की करेंसी है, घाना की करेंसी, ये तो सीडी है। $20 हमने चेंज कराए हैं, और ये घाना की करेंसी है, ये हमें मिली है। तो ये पड़ी है लगभग 10.5 रुपये, मतलब एक घाना करेंसी इंडिया के 10.5 रुपये की हमें पड़ी है यहाँ पे। तो एक $1 के बदले इन्होंने दिए 7.70 CD। यस भाई, कभी भी डाटा लें तो ये चेक करवा लें इनसे कि भाई दिखा डाटा कितना है। तो कभी भी चेक करा लें। इसने अभी मुझे बोला था 1 GB, लेकिन आया नहीं था, मैंने चेक किया तो कम था, कहता उसके डालता हूँ, फिर बाद में डाला इसने, अब आ गया इसमें 1 GB डाटा। तो ये पहले नहीं डाला था, इसने सिम दे दी थी, लेकिन आप हमेशा चेक कर लें कि डेटा डाल दिया या नहीं डाला, खासकर ऐसी जगहों पे, ये रेलवे स्टेशन बॉर्डर्स पे, इन जगहों पे खासकर। तो भाई एक और सबक, ये बैग जब भी ऐसी जगह हो तो अपना आगे टांग लेना, पीछे मत टांगना, कुछ नहीं पता पीछे से कौन क्या कर देगा, हम कट भी मार सकते हैं आपके, ये जिप खोल के पैसे भी निकाल सकते हैं, खासकर ये बॉर्डर ट्रेन स्टेशन पे, लैंड बॉर्डर जब आप पार कर रहे हो तो। ठीक है, ये अपनी कार है VIP टोयोटा, एक सवारी रह गई है, जब सवारी फुल हो जाती है तो ही जाते हैं ये लोग, तो बहुत देर से एक सवारी नहीं मिल रही इसको भाई को। आप हमेशा जब भी आ रहे हैं तो खुले डॉलर जरूर लेके आए, यानी डीजल का प्राइस यहाँ पर पेट्रोल से ज़्यादा है। तो 10,300 रुपये फीस है घाना वीजा की, बस। सो दिस इज़ आकरा फॉर यू।